दोस्तों लाडली बहन योजना से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, लाडली बहनों के खातों में कब आएंगे 19वीं किस्त, क्या इस बार 5,000 आएंगे खाते में। लाडली बहनों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली 19वीं किस्त की राशि दिसंबर में ट्रांसफर की जाएगी। इस बार भी राशि 1250 ही होगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने जल्द ही इसे 3,000 रुपये तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इस योजना से वंचित महिलाओं के लिए तीसरा चरण की घोषणा का इंतजार जो है वो भी अब खत्म होने वाला है। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के अंतर्गत इस वर्ष नवंबर में 18वीं किस्त की राशि 9 नवंबर 2024 को 1,29,00,000 महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की गई थी। अब महिलाओं की निगाहें दिसंबर महीने पर है, जब 19वीं किस्त की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। ये योजना राज्य की महिलाओं के लिए एक आर्थिक सहारा बन चुकी है और अब महिला सशक्तिकरण की दिशा में नए बदलाव की उम्मीद भी जोड़ी जा रही है। 19वीं किस्त की राशि कब बढ़ेगी, मैं इस पर बात कर लेता हूं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, लाडली बहन योजना के तहत 19वीं किस्त के रूप में इस बार भी महिलाओं के खातों में 1250 रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पिछले महीने ये घोषणा की थी कि हर महीने की 10 तारीख को मिलने वाली राशि इस बार एक दिन पहले यानी 9 नवंबर को ट्रांसफर की गई थी। हालांकि महिलाओं के बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या राशि में कोई बढ़ोतरी होगी। इस बार भी महिला लाभधारियों को वही 1250 रुपये मिलेंगे जो पिछले कुछ महीनों से जारी हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अभी जो है इस राशि में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। दिसंबर माह में जो है 10 तारीख को आप सभी लोगों के अकाउंट में 1250 रुपये जो है आप सभी लोगों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। और रही बात राशि बढ़ाने की, तो उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल जनवरी माह में 10 तारीख तक आप सभी लोगों का जो किस्त आने वाला है उसमें शायद बढ़ोतरी किया जाए। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इस राशि में कोई बदलाव नहीं है, ये राशि सिर्फ 1250 रुपये है, जो यही राशि आप सभी लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे चरण की शुरुआत जो है कब से की जाएगी। तो मैं आप सभी लोग बता दूं, लाडली बहन योजना का पहला और दूसरा चरण अब तक सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, लेकिन योजना के तीसरे चरण का अभी तक किसी आधिकारिक घोषणा के बिना इंतजार किया जा रहा है। तीसरे चरण के तहत 21 से 60 वर्ष की महिलाएं इस योजना में शामिल हो सकती हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बारे में घोषणा की थी, परंतु अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लाडली बहन योजना में राशि बढ़ने का कब होगा ऐलान, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ। लाडली बहन योजना शुरू होने के समय 1,000 रुपए की राशि दी जाती थी, जो बाद में बढ़ाकर 1250 रुपए की गई। त्यौहार के दौरान यह राशि कभी कभी 1500 तक बढ़ा दी जाती थी। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विजयपुर में एक सार्वजनिक भाषण के दौरान घोषणा की थी कि लाडली बहन योजना के तहत मिलने वाली राशि जल्द ही बढ़ाकर 3,000 रुपये की जाएगी। हालांकि इस पर बढ़ी हुई राशि का कब से लागू किया जाएगा इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लाडली बहन योजना से वंचित महिलाओं के नाम की छटैया, अब मैं आप सभी लोग बता दूं, बहुत से ऐसी महिलाएं जिनको लाडली बहन योजना से नाम हटा दिया गया है। हाल ही में सिंधी जिले में लाडली बहन योजना से कई महिलाओं के नाम काटे गए थे, जिससे हड़कंप मच गया था। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस संदर्भ में एक पत्र जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि कई महिलाएं पात्र नहीं होने के बावजूद योजना का लाभ ले रही थीं, इस कारण से उन महिलाओं के नाम सूची से हटा दिया गया है। लाडली बहन योजना का जो मैं पैसा बता दूं, 19वीं किस्त की जो राशि आने वाली है वो आप सभी लोगों के अकाउंट में 10 दिसंबर को शाम के 5 बजे तक जो है ट्रांसफर किया जाएगा। और इससे पहले जो राशि आप सभी लोगों को समय से पहले ट्रांसफर किया जा रहा था, तो उसका ये कारण है कि त्यौहार या फिर कोई उत्सव की वजह से आप सभी लोगों के खाते में ये पैसा जो है 10 तारीख से पहले ट्रांसफर किया जा रहा था। लेकिन दिसंबर माह में ऐसा कोई त्यौहार या उत्सव नहीं पड़ा जिसकी वजह से आप सभी लोगों के अकाउंट में राशि समय से पहले ट्रांसफर की जाए, इसीलिए ये राशि 10 तारीख को जो है 10 दिसंबर को शाम के 5 बजे तक आप सभी लोगों के अकाउंट में 1250 रुपये की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। वहीं जो बात है और जो सवाल उठ रहा है राशि बढ़ाने को लेकर, तो ये राशि बढ़ाने की अगर संभावना जताई जा रही है तो ये नए साल 2025 में जो है जनवरी माह में जो आप लोगों का किस्त मिलेगा उसमें ये जो राशि की बढ़ोतरी हो सकती है। और तीसरे चरण की अगर मैं बात कर ली हूँ तो आप लोग सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, तीसरा चरण जो अब जल्दी शुरू होने वाला है और तीसरे चरण के दौरान जो महिलाएं वंचित रह गई हैं या फिर जो महिलाओं का नाम काट दिया गया है जो इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र थी, तो वो लोग फिर से आवेदन कर लाडली बहन योजना से जुड़ सकती हैं और इसका लाभ भरपूर ले सकती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। जैसे ही कोई लाडली बहन योजना से रिलेटेड बड़ी अपडेट निकल कर सामने आती है तो हमारे चैनल पर आप सभी लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।